हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी द आर्ट लवर। होपफुली आप सभी सेफ होंगे और अच्छे होंगे। आज का ये मेरा वीडियो फोटो फ्रेम्स के ऊपर है। ये फोटो फ्रेम्स में जो ड्राइंग्स है वो मैंने बनाई है येलो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रखते हुए। मेरा कॉन्सेप्ट ही ये था कि मेरा बेडशीट, कुशन कवर्स और पेंटिंग्स जो है सेम प्रॉपर पैटर्न में हो, तो मैंने उन्हीं पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए फ़ोटो फ्रेम्स बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था फ़ोटो फ्रेम्स और फिर उसी के साइज़ का वाइट पेपर कट करके उसको पूरा येलो पेंट करा, उसको ड्राई होने दिया। उसके बाद मैंने ब्लैक चार्ट पेपर से छोटे छोटे अल्फाबेट्स कट करके पेस्ट किए थे। मैंने लिखा था जस्ट बी यू, जो हो आप वो ही रहो, जस्ट बी यू। अपने ऊपर पूरा प्रॉपर बिलीव करिए, बिलीव इन योर सेल्फ, जो आप हैं वो ही रहिए, चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी यू। यही मेरा फर्स्ट कोट था मेरे पेंटिंग के लिए। सारे अल्फाबेट्स पेस्ट करने के बाद उसे सूखने के लिए रखा और उसके बाद फोटो फ्रेम पे आलिया पूरा प्रॉपरली। ये है मेरी ड्राइंग और ये मेरा फोटो फ्रेम। अब सेकेंड वाला स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वाले में भी मैंने हाफ पेज पे येलो पेंट किया था। इस बारी मैंने रंगीला पेंट यूज़ किया था, हाफ पेपर पूरा येलो पेंट से अच्छे से दो बारी कोटिंग करके ये अच्छा आया था और उसको फिर मैंने ड्राई करने को रख दिया था। प्रॉपरली ड्राई हो जाने के बाद फिर इसमें ब्लैक स्ट्रिप मैंने कट कर ली थी और उसको जो है एक पैटर्न में थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ करके ब्लैक स्ट्रिप लगाया था। ये सेम पैटर्न जो है कुशन कवर में भी था, मुझे सेम बनाना था इसलिए मैंने ये पैटर्न लिया। इजीली ये हो जाएगा और नीटली बहुत सुंदर लगेगा ये। तो अब सेकेंड ये है मेरी ड्राइंग और उसके बाद ये फोटो फ्रेम है। अब ये थर्ड स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें मैंने येलो पेंट से पैटर्न ही स्टार्ट करा था बनाना। येलो रंगीला कलर ही यूज़ किया है, इससे शीट पे पैटर्न्स बनाने लाइन लाइन करके। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिएगा। ये पैटर्न भी कुछ सिमिलर है मेरे कुशन कवर से, उसको देख के मैंने पैटर्न बनाए हैं। इसमें ऐसे येलो कलर की स्ट्रिप्स लगाई हुई थी और इसे पैटर्न में ट्रायंगल कर करके बनाना था। तो ये मेरा एक पैटर्न है। अब इसको दो बारी कोटिंग करके फिर
ड्राई होने के लिए रख देना है। फिर ब्लैक चार्ट पेपर से सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्रायंगल ट्रायंगल कट कर लेना है, और वैसे ही जैसे पहले वाले में किया था स्ट्रिप वाइज, वैसे ही अपने को थोड़े थोड़े इंटरवल में, ताकि ब्लैक वाइट का पैटर्न आ सके, ऐसे ट्रायंगल को पेस्ट करते जाना है वाइट पेपर में। ऐसे ही अपना ये थर्ड वाला पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। तो ये इसकी ड्राइंग है और इसका जो है फोटो फ्रेम है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ वाला पैटर्न। इसमें भी अपने को पुराने वाले के जैसे हाफ पेपर येलो पेंट करना है पूरा, और दो बारी कोटिंग आप कर सकते हो अगर आपको एक बार ही में नहीं मिल रहा है डार्क कलर। और येलो पेंट पूरा हाफ पेज पे करना है, सिमिलर टू प्रीवियस वन। अब वापस से अपने को फिर से पैटर्न बनाना है, जिसके लिए ब्लैक चार्ट पेपर पे हमें जिगजैग डिज़ाइन कट करनी है और उसको फिर ये वाइट चार्ट पेपर पे पेस्ट करना है। या आप ब्लैक पेस्ट करने के बाद आपको अगर थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है येलो पेंट, तो आप उसको वापस से कर सकते हो येलो। इसे भी इंटरवल के बाद पेस्ट कर देना है और फिर आप एंड रिजल्ट यही देखोगे। अगेन ये रही मेरी ड्राइंग और ये रहा मेरा फोटो फ्रेम। ये वीडियो मैं अभी यहीं फिनिश कर रही हूँ। ये पार्ट वन है इन फोटो फ्रेम्स का। पार्ट टू में मैं आगे के जो फोटो फ्रेम्स है बनाए थे वो मैं आपको दिखाऊंगी। होपफुली आपको कुशन कवर से मैचिंग फ़ोटो फ्रेम्स अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।